मौत से डर नहीं लगता, लेकिन उस दिन से डर लगता है जब कब्र में मेरा पहला दिन होगा और मुनकर नकीर मुझसे सवाल और जवाब का सिलसिला करेंगे। हम सब अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि हम कैसा महसूस करेंगे उस कब्र में जो हमारा मरने के बाद नया घर होगा, वो भी कयामत तक के लिए। चलो अपने आप से सवाल करते हैं, अगर हम आज या अभी मर जाते हैं तो हमारे पास कैसे आमाल हैं अल्लाह ताला को बताने के लिए, अच्छे या बुरे? मौत एक वाहिद ऐसी चीज है जिसकी गारंटी है कि वो आएगी, मतलब आएगी, और वो हर किसी को आएगी, अमीर गरीब काला गोरा, हर एक को मौत आनी है। हमारी प्रॉपर्टी, स्कूल की डिग्रियां, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, खूबसूरती, फैमिली स्टेटस, हमारे रोब दबदबा ऑफिस वगैरह में हमारी रेपुटेशन वगैरह वगैरह सब यहीं रह जाएगा। ये सब कब्र में कोई काम नहीं आएंगे सिवाय हमारे अच्छे आमाल के। या अल्लाह पाक हम तमाम को आखिरत के मामलात में सीरियस कर दे, हमारे दिलों में कब्र, हश्र और आखिरत की फ़िक्र को जगा दे और हमें कामिल मुस्लिम बना दे। हमें गुनाहों भरी ज़िंदगी से बाज रख, हमारा दिल नेकियों में लगा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।